की आवाज लखनऊ तक जानी चाहिए, योगी को सुननी चाहिए। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। बुंदेलखंड के सब भैया बहनन को राम राम, और सब मणियन को, सब मोड़ियन को बहुत बहुत प्यार। हमारे बड़े भाग की हमको आना उदल रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, महाराजा छत्रसाल, दीवान हरदौल जू, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की महान और वीरों की धरती पर आबे को मौका मिलो। महोबा वालों, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक तरह से थोड़ा दुख भी है। जब बारिश हुई तो बहुत खुश हो गए थे, उन्होंने सोचा कि अगर अच्छी खाद डाल दूं तो फसल अच्छी तरह से उग जाएगी। तो खाद वितरण केंद्र में गए, वहां पे उन्होंने लाइन लगी थी, लाइन में खड़े हो गए। 2-3 दिन लाइन में खड़े रहे, घर नहीं आए, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, जो भी मिल आसपास मिल रहा था वो मिल गया, पीने को पानी नहीं मिला। लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। जो 2 किसानों ने आत्महत्या की, वे भी लाइन में खड़े खड़े मायूस हो गए, खाद खत्म हो गई, उनकी बारी नहीं आई। 2.5-3 लाख का कर्ज था। एक मुंदेली कहावत है, लबरा बड़ा कि दोदा बड़ा, तो आप जानते हैं कि कौन बड़ा। योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहां आकर मंच पर खड़े होकर आपका आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं, बड़े बड़े वचन देके जाते हैं। आपने आप खुद परख लिया है कि उन वचनों को किस तरह से वो निभाते हैं। अधिकारियों ने एक वसूली गैंग बना रखी है। आपने देखा होगा कि कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की किस तरह से हत्या हुई। आज भी उनके उनके हत्यारे फरार हैं, आज भी उनको पकड़ा नहीं है। बुंदेलखंड पर्यटन में बुंदेलखंड एकदम आगे बढ़ सकता था, यहां अपार संभावनाएं हैं। भाजपा के विधायक पर्यटन के नाम पर जमीन कब्जे कर रहे हैं, अवैध धंधा कर रहे हैं, गौशालाओं के नाम पर धंधा कर रहे हैं, गौशालाओं की बुरी हालत है। आपने भाजपा के नेताओं की नियत 5 सालों से देख ली है। आपके लिए क्या हुआ, आपके लिए क्या किया गया, आप सब मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। सपा की सरकार आई, आपको लूटा गया। बसपा की सरकार आई, कुछ नहीं किया गया आपके लिए। भाजपा की सरकार आई, तमाम झूठे वादे किए, उनको निभाया नहीं। मोदी जी गए, उद्घाटन किया उन्होंने जेवर में, एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा। तो सब अपने सोशल मीडिया पे जितने भी इनके नेता हैं सब फोटो लगाने लग गए। सबने देखा कि बहुत बढ़िया है जेवर का एयरपोर्ट, पता चला चीन की फोटो है। और नोएडा में शिलान्यास करने गए थे। गौरा पत्थर यहाँ का सोना है, और यहाँ क्या हो रहा है, बड़े बड़े पूंजीपति लूट रहे हैं इसको। इनकी जो नई खनन की नीति है भाजपा की, इससे रॉयल्टी बहुत महंगी हो चुकी है। मैं जब यहां आ रही थी तो हेलीकॉप्टर से आई तो देख रही थी नीचे क्रशर लगे हुए हैं। मुझे बताया गया कि यहाँ पे कम से कम 450 क्रशर होते थे, आज 50 से 60 बचे हैं।